खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। कहते हैं वक्त के साथ साथ आपकी किस्मत और सूरत भी बदल जाते हैं। सियासी दावपेच के बीच भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां कभी नेताओं का रुतबा हुआ करता था, अब उसी जमीन पर नाक रगड़कर नेताओं को माफी मांगनी पड़ रही है। राजस्थान में हो रहे चुनाव के बीच कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पूर्व जिला प्रमुख को सड़क पर नाक रगड़नी पड़ी। सचिन पायलट की डूंगरपुर में होने वाली सभा में जाते वक्त भी कुछ ऐसा ही वाक्या सामने आया है, जहां छोटी सी बात ने इतना तूल पकड़ लिया कि पूर्व जिला प्रमुख को सड़क पर नाक रगड़नी पड़ी। कांग्रेस नेता और पूर्व जिला प्रमुख भगवती लाल रोड की कार से चार युवकों को कीचड़ उछल गया था। उसके बाद में करीब 2 किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों ने पूर्व जिला प्रमुख की कार का पीछा किया और उन्हें रुकवाकर सड़क पर नाक रगड़ने के लिए कहा। रोत अपनी गलती पर बार बार माफी मांग रहे थे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। इसके बाद में विवाद बढ़ता गया तो पूर्व जिला प्रमुख को सड़क पर नाक रगड़नी पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद में कई तरह की सियासी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता इसे षड्यंत्र और कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन ग्रामीणों का पार्टियों से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए ये बात सही कही गई है कि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।